हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर, कैसे कब और कहाँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर वर क्राउन्ड और बैटल वर फॉट। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स। यू मे हैव हर्ड मैनी पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। इन सच अ कंसेप्शन ट्रू। एक वक्त था जब इतिहासकार, जो हिस्टोरियंस थे इतिहासकार, तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, मतलब उसको क्राउन पहनाया गया, ताजपोशी क्राउन पहनाना, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत बोर है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? हिस्ट्री इज सर्टेनली about changes that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. इसमें कोई शक नहीं है, इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। जो बदलाव आते जाते हैं और उस वो छप जाता है और वो हमारा इतिहास बन जाता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। लिविंग इज द वर्ल्ड, वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल ही उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा होगा। लेकिन हम सबके समान कभी कभी अचंभे के क्षण हमारे सामने आ जाते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई इतिहास जो में होता है, जो ऐतिहासिक होता है। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हो कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में जो सवाल उठते हैं, अगर बाहर झांकते हैं तो आप जो भी चीज़ देखते हैं और जो आपके सवाल उठते हैं कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा, रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्राएं किस तरह से कर पाते होंगे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हो कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। इस पेज पर जो हमें ये पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान लिखा हुआ है। ये जो चित्र है इसमें जो है, जो एक ब्राह्मण है वो ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं और जेम्स रेनल द्वारा तैयार किया गया ये पहला नक्शा का आवरण चित्र है। 1782 में ये तैयार हुआ था और ये भेंट कर रहे हैं एक ब्राह्मण। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थन रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं और ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीसियसली डेट्स इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस
दैट हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये सारे जो ऐतिहासिक सवाल हैं हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रतिक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू कर दिया। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ गया था। इस तरह की प्रतिक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी और एंड सोसाइटी। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज के किस दिन उसमें जो बदलाव है वो आए यह बताना भी संभव नहीं है। ऑल दिस थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ यह एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। Why then we continue to associate history with a string of dates? This association has a reason. There was a time when history was an account of battle and big events. तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की वजह क्या है? एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के जो ब्यौरे थे उनका हिसाब था उसको इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल जो है उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। As we have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earn their livelihood, what they produce and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society changed. जैसे कि पिछले 2 सालों की इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वे क्या पैदा करते हैं और क्या खाते हैं, मतलब क्या उगाते हैं और क्या खाते हैं, शहर कैसे बने और बाज़ार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी और एक नए विचार पैमाने और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। विच डेट्स, कौन सी तारीखें, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। द डेट्स वी सेलेक्ट द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन द पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। इफ आर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, इफ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इशूज, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानियाँ बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर हमारे अध्ययन का विषय बदल दिया जाता है, अगर हम नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। कंसीडर एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण पर विचार करते हैं। इन द हिस्टोरियन
हिस्ट्री इज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट दीज हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट डीड्स ऑफ अदर। एक हम उदाहरण पर अगर विचार करें करते हैं, चलिए देखते हैं। भारत में ब्रिटिश इतिहासकार ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होता है और आखिर जो होता है वो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स वेलेजली और यहाँ पर नाम है बेटिंग डलहौजी कैनिंग लॉरेंस लिप्टन रिपन कर्जन हार्डिंग और इरविन के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी भी ख़त्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है, कभी ना ख़त्म होने वाला। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों उनकी गतिविधियों नीतियों उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत की इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? हाउ डू यू फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑन द डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेज इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री ऑफ जर्नल गवर्नर जनरल्स? क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे हैं उनमें हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं, हम कैसे ध्यान दे सकते हैं? When we write history or a story, we divide it into chapters. जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। Why do we do this? हम ऐसा क्यों करते हैं? It is to give each chapter some coherence. Yes. ऐसे हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे कुछ अध्यायों में सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रतिक्रिया में हम सिर्फ उस घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। इन द हिस्ट्रीज द रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल The activities of the Indians simply do not fit. They have no space. What then do we do? Clearly, we need another format for our history. This would mean that the old dates will not longer have to have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. So, yahan par ye hai कि जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती हैं, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती है। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हम अपने इतिहास का एक अलग जो है नज़रिया हमें उसका बनाना पड़ेगा, उसका ढांचा अलग बनाना पड़ेगा। और इसका मतलब यह है कि हम अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा है वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हाउ डू वी प्रियोडाइज हम जो हमारी अवधियां हैं कैसे तय कर सकते हैं? पीरियोडाइज इन 1817 जेम्स मिल अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क। 1817 में
स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने तीन विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नाम की एक किताब लिखी। इसको हम अच्छे से अंडरलाइन करेंगे और ध्यान रखेंगे कब किसने लिखी ये किताब, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीन कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? Why do we try and divide history into different periods? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time. Central feature as they appear to us. So the terms through which we periodize, that is demarcate the difference between periods become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों और उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों को उनका जो है क्या महत्व है। मिल through that all Asian society were at a lower level of civilization than Europe. According to his telling of history, before the British came to India, Hindus and Muslims despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboo and superstitious practice dominated social life. ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया।
So here is the end of part 1. Next part we